नाम है आपका? हरिवंश चौहान हमारा नाम है। हरिवंश चौहान, गांव क्या नाम है? हमारा 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 निवासी है। थाना कौन सा है आपका? मछली शहर है। तहसील? मछली शहर। क्या मामला था जो आप अभी थाने पे गए थे? सर ये मामला यह था ना कि ये हमारा 229 बी सी डिग्री हुई है। हाँ। और इसका आज तक किसी ने कोई न, तो सरकार भी हार गई है, लड़कर स्टेट भी लड़ी थी हार गई जी, और इसकी आगे चुनौती कोई पार्टी ने नहीं दिया जी। मुझे हरेस कर रहे थे जिस तरह से आज कर रहे हैं, हमने हाई कोर्ट चले गए जी। हाई कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रहेगी और आप जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे जी। और अब जो है जब ये लोग हस्तक्षेप करने लगे, इस साल धान नहीं लगाने दे रहे थे, तो हमने हाई कोर्ट फिर गए सर जी। डबल बेंच में रिट दाखिल हुई। डबल बेंच ने कहा कि जो है अपना कार्य करते रहेंगे जब तक कोई निस्तारण यहाँ से नहीं हो जाएगा जी। और उन्होंने कहा कि न तो इसमें पुलिस हरेस करेगी, न तो इन्हें डीएम बेदखल करेगा जी। और डीएम को साहब कंटेम्प्ट हुआ है, उनको जो है 3 महीने का समय कोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि आप बकायदे ढंग से उसका फैसला कर दीजिए, निपटारा करिए, अन्यथा जो है फिर ये दोबारा एक मौका दे रहे हैं आपको दंडित, अनुज कुमार झा को दंडित करने का केस बनता है, लेकिन मैं एक मौका दे रहा हूँ जी, और आप निस्तारण कर दीजिए। सर न तो नोटिस दिए, केवल बुला बुला कर हरेस कर रहे थे जी। कौन बुला रहा था आपको? डीएम भी बुलाए थे, उन्होंने हरेस किया जी। उन्होंने कहा फसल मत काटिए, हमने कहा साहब लिखित प्रमाण दे दीजिए जी। एसडीएम ने बुलाया, उन्होंने कहा मत काटिए, हमने कहा लिखित प्रमाण दे दीजिए जी। और सर इसमें लेखपाल जो है, इसके पूर्व के लेखपाल, उन्होंने रिपोर्ट लगाकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजा है कि माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है जी। और इन्हें जो है अपर उप जिलाधिकारी जौनपुर सदर के यहाँ से भूमिधर घोषित किया जा चुका है जी, और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जी। इसमें एसडीएम और तहसीलदार महोदय ने वेरी फॉरवर्ड करके लखनऊ भेज दी जी, इसकी मैंने नकल प्राप्त किया। दूसरे लेखपाल आए सर जो है 1 अप्रैल को, राजकुमार सरोज जी। उन्होंने सर 4 एयर पर एक मेरे मकान पर जो है उन्होंने 67 की कार्यवाही कर दिया जी। और इसके बाद सर लगाने के लिए मना कर रहे थे, जब हमने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि जो है आप कुछ नहीं कर सकते, न तो आप हरेस करते हैं। डीएम को उन्होंने कहा कि ये जो दरखास्त दिया है आप, चूंकि केस हमारे यहाँ पेंडिंग है इसीलिए आप केस छू नहीं सकते, और जो दरखास्त इसको बार बार हरेस किया जा रहा है उस पर आप अपना विचार व्यक्त करिए, आप क्या 2 महीने के अंतर, 2 महीने के बाद इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। और बीच में लेखपाल भेज करके साहब फसल में जो है फसल को तोड़ मरोड़ करके पैमाइश करा रहे थे, लेकिन तब पर भी पैमाइश इनकी सही नहीं हुई जी। और करौदी गांव 22 जरीब जो है अमारम कर दिए, तो सारे तालाब, सारे भीटा, सारे बांध 2-2 जरीब हट जाएंगे जी। तो कहाँ खुदाई होगी उसकी जी। और यह पैमाइश किए उन्होंने लेखपालों ने बरसात के समय धान में, और जबकि उस समय मना था कि आप पैमाइश नहीं कर सकते। इसके बाद सर इधर धान को रोक रहे थे काटने के लिए, बगल बांध जो है सर उसमें एक लाला समकर के जोत रहा है गांव हमारा का जी, और उसका एक सरोज अधिक खेती करता है, वो काट कर अपना उठा ले गया, उसको कह दिए कि अपना उठा ले जाओ काट कर, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, जबकि वो अभी नंबर स्ट्रीट में दिए हैं जी अपने दरखास्त। अच्छा, आपके खिलाफ दरखास्त कौन दे रहा है आपके? हमारे खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं रामचंद्र, एक पशु तस्कर है सर, हर हफ्ते में गाय भैंस लदाता है, वो पशु तस्कर है, और एक राजेंद्र है उसी का भाई है, एक सुरेंद्र है उसी का भाई है, जो कि हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लगते हैं आपके? मेरे चचेरे भाई हैं जी। और एक जो है परमेंदर है, और का कह गया था अभय राज है सर, ये भाई के लड़के हैं, ये लोग हरदम हरेस करते रहते हैं। एक और सुन लीजिए साहब, इतनी अच्छी बात है कि इन्होंने वहाँ मुकदमा लड़ रहे हैं मुझसे शेयर लेने के लिए हाई कोर्ट में, और PIL दाखिल कर रहे हैं कि इसको खारिज कराया जाए जी। हाँ, अच्छा, दोनों हाँ खारिज करा के कब्जा लें। इन्होंने PIL दाखिल किया था, ऑर्डर लाया था, हमने साहब उसमें रिकॉल डाला, रिकॉल में सुनवाई के लिए लगा हुआ है। तो आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं सर कि हमको हरेस किया जाए, जब माननीय उच्च न्यायालय का कोई फैसला आ जाएगा
उसके बाद कार्रवाई की जाए, इसके बाद कार्रवाई की जाए, आप यही चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर जी। तो ये फसल उसल काटने कौन नहीं दे रहा है? फसल तो सर जो है एसडीएम नहीं काटने दे रहे थे, एसडीएम मना कर रहे थे। अच्छा, मछली सर एसडीएम? हाँ, मछली सर एसडीएम। तो आपने क्या कहा उनको? हमने कहा सर देखिए हाई कोर्ट का आर्डर है और इसमें लेखपाल जो है 3-4 प्रकार का रिपोर्ट लगाए हैं राजकुमार। एक बार उन्होंने जब डीएम को हमने आर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर एसडीएम महोदय ने लिखा है बकायदे कि आवेदक संतुष्ट है और क्या कही जाता है कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जी माननीय उच्च न्यायालय के प्रवेश में। मतलब आपका यही कहना है? दूसरी बार सब फिर जब का कही जाता हम दर वो परेशान करता है तो वो कहता है कि इनके ऊपर हमने 4 एयर का 67 का मुकदमा कर दिया जी। अब वही जो है वहाँ नचा रहा है कि मुकदमा कर दिया, स्टे है, मुकदमा कर दिया, इससे जय बार हम आ रहा है तय रिपोर्ट पेश कर रहा है। आप यही चाहते हैं कि जब हाई कोर्ट का मामला निर्णय आ जाएगा उसके बाद कार्रवाई की जाए, उसके बाद आप कार्रवाई करें? आप संतुष्ट? हम संतुष्ट हैं सर। अगर आपको परेशान किया जा रहा तो आप फिर जाएंगे हाई कोर्ट? फिर जाएंगे सर हम, फिर आप तो हम सर कंटेम्प्ट। क्या बता रहे थे हम? वो परमेंदर जो है सर, परमेंदर अभयराज, ये दोनों नाला की जमीन जोते हैं सर। लेखपाल कह रहे हैं कि अपना फसल काट कर उठा ले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो वीडियोग्राफी आपका हो रहा है चैनल चल सकता है कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा? सोशल मीडिया चल सकता है? चला दीजिए, कोई दिक्कत आपको? हमको क्या दिक्कत? अपनी स्वेच्छा से आप बयान दे रहे हैं? हम अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं बयान सर, हम कोई दिक्कत नहीं है हमको, अब चलेगा। हम हमारे पास रिकॉर्ड है सर, हाई कोर्ट के 3-3 4-4 ऑर्डर है हमारे पास सर।